चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, और सक्सेसफुल बनने के लिए इस बिजनेस में पाथ को फॉलो करना पड़ता है हमको। और एक पाथ जो है, सीरियसली पाथ जो इस बिजनेस में बनाया गया है, वो बनता है चार बहुत ही बेहतरीन शब्दों से, जो कि है पी फॉर तेजी से बोलो पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचेबिलिटी, और एच फॉर हॉनेस्टी। ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे बिजनेस में, मैंडेटरी हैं, हमेशा आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। हजारों लोगों को मैंने इस बिजनेस में इन चार चीजों की कोई ना कोई एक चीज की कमी से बर्बाद होते हुए देखा है। पहला पी फॉर पेशेंस। तो पेशेंस कैसे रहना चाहिए? हर चीज की एक क्या होती है, कोई भी मिनिमम पीरियड होता है। जैसे प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी का पीरियड कितना है भाई साहब? 9 महीना। अब हम में से कोई जल्दबाज है, उसको 4 ही महीने में बच्चा चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कोई है तरीका है आपके पास कैसे करें? तो कम से कम मिनिमम कितने रिक्वायर्ड हैं? 9 महीना। अगर आपको बच्चा चाहिए तो 9 महीना वेट करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इतना पेशेंस तो हमें होना चाहिए। दूसरा, पेशेंस की कलाकारी क्या है कि जो भी व्यक्ति धैर्य के साथ हमेशा इसमें प्रयास करते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी जिंदगी बनना चालू हो जाती है। लेकिन ये बिजनेस कोई ऐसे नहीं है कि आप हथेली पर सरसों जमा लोगे। मैंने 12 सालों में ये सब आपके सामने क्रिएट किया जो मैंने बताया। क्या आप यही काम जो मैंने 12 साल में किया है, क्या कुछ भी करके 12 महीने में कर सकते हो? पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि उतना नेटवर्क बनने के लिए, उतनी चीजें होने के लिए मिनिमम समय रिक्वायर्ड है। मैंने 12 में किया, ऐसा है आप 8 में कर सकते हो, कम किया जा सकता है, लेकिन 12 साल को 12 महीनों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पॉसिबल है क्या, बोलो आप? नहीं है। इसलिए हमको पेशेंस के साथ काम करना होगा। दूसरा, हमारे पेशेंस की परीक्षा कब होती है? जब हम इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज से रूबरू होते हैं। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है इस बिजनेस में? आप अगर इस बिजनेस में किसी को लाना चाहते हो तो एक रेशो है, हम लोग 10 लोगों से बातें करेंगे, 7 हमको उसमें से तवज्जो देंगे, कितने? 4 उनमें से क्या होगा, हमारी बात सुन के कुछ करने के लिए आएंगे, और उन 4 में से छान बटोर के कोई एक या दो ज्वाइन होगा। समझ आ रहा है? 10 7 4 1। अब जैसे जैसे आप काम करना चालू करोगे, जैसे जैसे आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, तो ये रेशो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यानी 10 की जगह 7 जो है वहां पर 9 हो सकता है ना? फिर जहां पर 4 है वहां क्या हो सकता है 4 की जगह पर? करते करते समझ आ जाएगा, तो 6, और 6 जहां पर 1 है वो क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है। 10 को बुलाओगे 4 ज्वाइन कर जाएंगे, 10 को बुलाओगे 6 ज्वाइन कर जाएंगे। मेरा जो रेशो है आजकल, अगर मैं 10 लोगों पर मेहनत करूं और सरीके से उनको समझाऊं, मेरा रेशो है 10 में से 8 लोगों को अंदर ला सकता हूं मैं। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, तो कोई 2-1 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन बाकी के 8 लोगों को अंदर ला सकता हूं। और बिल्कुल कोई नया है जो आया है बिजनेस में, उसका रेशो क्या होना चाहिए? 10 में से 1 को तो ला ही सकता है ना आराम से। तो सबके साथ ये रेशो, लॉ ऑफ एवरेज जो है वो काम करता है, आपके साथ भी काम करेगा, और दुनिया में हर काम में ये एवरेज लगता है। जैसे मान लो मैं ठेल पे कुछ बेचने वाला हूं, आपने ठेल पे बेचने वाले बहुत लोग देखे होंगे, और जब वो निकलते हैं घर से तो पूरी ठेल भर के निकलते हैं और आवाज लगाते रहते हैं, बस बैगन ले लो, आलू ले लो, बोलते हैं ना, और घूमते रहते हैं, और उनको कोई चिंता नहीं होती कौन आवाज सुन रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, बताऊं वो क्या? शाम को ठेल खाली होती है, शाम को ठेल खाली होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो किस क्या पेशेंसफुली करते रहते हैं, आवाज देना कभी भी बंद नहीं करते, और चलना कभी भी बंद नहीं करते, चलते रहे और आवाज देते रहे, उनको कंफर्म है कि शाम को तो ठेल खाली होनी है। अब उनके पास भी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन होता है, जब उनके पास लोग आते हैं तो कई लोग उनको बोलते हैं सब्जी बासी है, फरानी है, महंगी है, ऐसा है, यो है, तो है, वो रोज सुनते हैं, लेकिन उनको एक ही बात पता है, शाम को ठेल खाली होगी। समझ आ रहा है? और रोज वो प्रयास करते रहते हैं। सेम इसी तरीके से हमको भी पेशेंसफुली अगर ये करें, हम प्रयास करें, तो जिंदगी हमारी बनेगी कि नहीं, बोलो? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखोगे, पाथ का पहला पी, पी फॉर पेशेंस,
और पेशेंस क्यों जरूरी है, एक रूल लागू होता है इसमें, SW5 रूल। क्या रूल है ये? इसमें हर लाइन में एक एस होगा और एक डब्ल्यू होगा। देखो, सम विल कम, सम विल नॉट कम। तीसरा क्या है? सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, आपका कोई ना कोई इंतजार कर रहा है, और सो स्टार्ट वर्किंग। समझ आ रहा है? हमेशा कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या? कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या? तो कोई तो आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए हमको क्या करते रहना चाहिए? काम करते रहना चाहिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ आ गया और पेशेंसफुली करते रहेंगे, लगातार करेंगे? Yes! करेंगे? हमेशा yes! फसल अगर हमको उगानी है तब भी पेशेंस रखना पड़ता है। yes! आज बीज बो के आए, कल फिर पानी लगाना पड़ेगा, फिर उसकी फसल बड़ी होगी, फिर देखने जाना पड़ेगा, फिर खाद डालनी पड़ेगी, फिर यह करना पड़ेगा, और कोई 9-10 महीनों बाद हमारे पास फसल आएगी। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन आज ही बीज डाला और आज ही हम कुरेदने लगे, कुछ हुआ नहीं, चिंता करें, फिर होगा कुछ नहीं। सेम बिजनेस है। गांधी जी ने पेशेंस की पराकाष्ठा को पार किया। गांधी जी ने जब जंग चालू की आजादी की, तो जंग चालू करने के बाद 1947 में जब हमको आजादी मिली, तो भाई साहब इस पीरियड में गांधी जी को लगभग 50 साल हो गए थे। कितने साल? आप सोचो कितना महान आदमी है कि कोई 50 साल तक एक ही लड़ाई को लड़के जूझ के उसको जीतना चाहे। 50 साल कोई उसको हिला ना पाए, 50 साल कोई उसको झुका ना पाए, 50 साल कोई उसको रोक ना पाए, 50 साल वो किसी और चीज में ना फंसे, 50 साल किसी और की ना सुने। हजारों लाखों लोग आए बीच में, लोगों ने बोला गांधी जी जो आपने अहिंसा का धर्म अपनाया है ना, अहिंसा के धर्म पर आज तक चल के कोई भी देश आजाद नहीं हुआ है। उनको तथ्य और प्रमाण दिए गए। गांधी जी का एक ही जवाब था कि आज तक अगर कोई देश आजाद इसलिए नहीं हुआ है अहिंसा पर, क्योंकि आज से पहले गांधी कहीं पैदा ही नहीं हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और 50 साल तक उसको जी के दिखाया। तो हम भी थोड़ा बहुत पेशेंस दिखा सकते हैं। कम से कम पेशेंस का टाइम पीरियड बता दूं, 5 साल। कितने लोग 5 साल तक जूझेंगे किसी भी कीमत पर? 5 साल तक कोई झुका तो नहीं पाएगा, 5 साल तक कोई हिला तो नहीं पाएगा, 5 साल किसी की बातों में नहीं आएंगे, 5 साल कोई रोक तो नहीं पाएगा। तो यू विल बी द डायमंड। आप डायमंड बन जाओगे अगर 5 साल लगे रहे। दूसरी चीज क्या है? ए फॉर एटीट्यूड। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा फेलियर में और सक्सेस में एक बहुत ही बारीक अंतर पैदा करती है। नजरिया, किस हिसाब से हम चीजों को देख रहे हैं। समझ आ रहा है? एक जगह मंदिर बन रहा था और 3 मजदूर काम कर रहे थे। तो पहले वाले मजदूर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने जवाब दिया, दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूं। सही है? दूसरे मजदूर से उसी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? दूसरे ने बोला, दिख नहीं रहा, पेट पालन कर रहा हूं, आजीविका कमा रहा हूं। और तीसरे से पूछा गया, वही मजदूर वहां काम कर रहा था, कि भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं, मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन नजरिया देखो, एक आदमी किस लिए कर रहा है? पत्थर फोड़ रहा हूं। समझ आ रहा है? दूसरा जी आजीविका कमा रहा है, तीसरा मंदिर का निर्माण कर रहा है। समझ आ रहा है? हम में से भी बहुत सारे लोग जब जाते हैं किसी को जोड़ने के लिए, तो कोई आदमी अपने घर से सोच के जाता है कि चलो एक और को फंसा के आते हैं। हाँ, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरे को अगर पूछो कि भैया कहां जा रहा है, वो बोलता है कि एक जिंदगी बनाने जा रहा हूं। और तीसरे को पूछो तो कहां जा रहा है, तीसरा बोलता है कि डायमंड ढूंढने जा रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप चीजों को किस तरीके से देख रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा अंतर पैदा करता है। एक बार 2 दोस्त तैयार होकर इंटरव्यू के लिए तैयार हुए और जा रहे थे, और ऊपर से कबूतर ने बीट कर दी, एक का कोट वोट खराब हो गया पूरा। उसने मुंह सकोड़ा, रूमाल निकाला, उसने कहा, यार ये आज अपशगुन हो गया, और ये मेरा क्या है ना, ये कोट खराब हो गया, आप कैसे इंटरव्यू होगा। बड़ा दुखी हो गया और बीट कर दी, यार गंदा हो गया, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, दोबारा कपड़े साफ करने पड़ेंगे, ये वो। बगल वाला दोस्त हंस रहा था, वो उसने पूछा, क्यों हंस रहा भाई, मेरा कोट खराब हो गया, तुझे मजाक सूझ रहा है? उसे बोला, नहीं,
मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान ने अच्छा किया भैंसे नहीं उड़ती हैं। समझ आ रहा आपको? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी सेम सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी सेम सिचुएशन में क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। और एटीट्यूड नजर से नजरिया नहीं होता है, नजरिया एक्चुअली आपके दिमाग में होता है। हम चीजों को देखते वैसे ही हैं जैसे कि हमारे दिमाग में पहले से फीड होता है। एक बार एक विधवा का पति मर गया, एक LIC का एजेंट उसके पास आया। LIC के एजेंट ने बोला सहानुभूति जताते हुए कि मेरे को लगता तो नहीं कि मेरे को ऐसा दिन आया कि मैं आपको ये मरे हुए आदमी का एक चेक आपके हाथ में दे रहा हूं, पैसे देते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है मेरी मजबूरी है कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। ऐसे वो दुख जता रहा था। ये औरत इतनी देर में बोली कि मुझे पता था तुम सब आदमियों की फितरत ऐसी होती है कि किसी औरत को 2 रुपए मिले और तुम्हें लफड़ा होने लगता है दिमाग में। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और ये बेचारी क्या समझ रही है? आपको समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हम हमेशा चीजों को कैसे देखते हैं? जैसे कि पहले से हमारे दिमाग में होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक्चुअली इस बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में कुछ कुछ भ्रम पहले से हैं। समझ आ रहा है? और सब कुछ उनके साथ कैसा होने वाला है जिनका पहले से एटीट्यूड डिसाइड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए हमारा सबसे अच्छी बात है कि हमको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदलना चाहिए। खराब रोड को देखने के बाद कई लोग सबसे पहले सरकार को गाली देते हैं, रोड इतने खराब है। फिर दूसरा, खराब रोड को देखने के बाद अपने आप को गाली देते हैं कि तू साले तुझे यहीं मरना था, आके इसी रोड पर चलना था तेरे को। फिर तीसरा, इंडिया को गाली देते हैं, है ना। चौथा, सिचुएशन को गाली देते हैं, समय को गाली देते हैं, गालियां देते रहते हैं। देखे हैं आपने ऐसे लोग? और एक आदमी मस्त मौजी जो होता है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो खराब रोड पर खुश होता है। सबसे पहला कारण खुश होने का कि चलो कम से कम आज एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि खराब रोडों पर एक्सीडेंट नहीं होते कभी, गड्ढे इतने होते हैं एक्सीडेंट होगा कहां से। समझ आ रहा है? दूसरा, वो खुश होगा कि चलो बढ़िया है यार, खराब रोड है, इंडिया में बहुत सारे लोगों का पेट पालन होगा, क्योंकि हम जैसे बहुतों के पंचर होंगे और कई लोगों के परिवार चलेंगे। समझ आ रहा? तीसरा, फिर आदमी पॉजिटिव रहता है कि चलो यार, चलाते चलाते नींद 5 घंटे के सफर में खराब रोड के कारण, एक तो गारंटी है कि नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो रिस्क कम हो जाएगा। समझ आ रहा आपको? तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि एक ही सेम सिचुएशन में पॉजिटिव लोग पॉजिटिव मैसेज लेते हैं, नेगेटिव सिचुएशन आदमी, नेगेटिव जो जिसके दिमाग में रहता है, सेम सिचुएशन में वो कैसा मैसेज लेता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, क्या आप देखते कैसे हो। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैंने इस बिजनेस को कैसे देखा कि ये मेरी जिंदगी बनाने वाला है। मैंने देखा कि ये मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। मैंने देखा कि इसके जरिए से मैं अमीर बन सकता हूं। मैंने देखा यार, भगवान ने मौका मेरी नजर में भेजा है, मुझे इसको किसी भी कीमत पर करना चाहिए। और मेरे ही बगल में कोई पड़ोसी आया होगा, उसने देखा होगा कि देखो कितनों को लूट रहे हैं, है कि नहीं। उसने देखा होगा देखो बर्बाद हो रहे हैं लोग। उसने देखा होगा देखो कितने महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसने देखा होगा देखो लो लो जिंदगी नहीं बनेगी, गारंटी है कंपनी भागेगी। उसने कुछ और देखा होगा, और सेम सिचुएशन थी, और एक आदमी की जिंदगी बन गई, एक पहले दिन ही सोचते हुए रह गया। मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंच पा रहे हो कि नहीं, बोलो। कितने लोग पहुंच रहे हैं? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। आपको चीजों को देखने का नजरिया आपके पास कैसा है। बाटा कंपनी के 2 सेल्समैन बहुत दिन पहले गए, उनको एक सर्वे के लिए भेजा गया, और सर्वे के लिए भेजा नीग्रोस के पास, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक ऐसे टापू पे भेजा गया जहां पर इससे पहले लोग कभी जूता पहनते ही नहीं थे। समझ आ रहा है? 2 सेल्समैन बाटा कंपनी के गए। एक सेल्समैन ने शाम को रिपोर्ट किया सारी सिचुएशन देखने के बाद कि सर आपने मरवा दिया, कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से, मरवा दिया आपने, कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से, ऐसी जगह बेच दिया, साला 100 आदमी के पैरों में अगर देख रहा हूं तो एक भी आदमी के पैर में जूते नहीं है, और जो आदमी जूता पहनना नहीं जानता क्या वो बाटा का जूता पहनेगा। समझ आ रहा है? अपने मालिक को उसने ऐसा रिस्पॉन्स किया,
और दूसरे आदमी को जब पूछा गया जो दूसरा सेल्समैन था, उसने कहा भाई तुम्हारे क्या हाल हैं, उसने कहा वेरी मार्वलस सर, ट्रेमेंडस, ऐसी जगह भेजा है सर आपने, एक पैर में जूते गिफ्ट कर दो, 99 आदमी अपने आप खरीद लेंगे दूसरे का देखने के बाद। लफड़ाई खत्म हो गया सर, लफड़ाई खत्म है सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरे सेल्समैन ने बोला सर एक पीस मेरे को भिजवाओ आप सैंपल में, और मैं दिखा दिखा के सारे पैरों में जूते पहना दूंगा, लिख के दे रहा हूं आपको, आपने इतनी बढ़िया जगह बेच दिया है, यहां बेचने की जरूरत ही नहीं, जूते तो अपने आप बिक जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। तो आपको किस तरीके का एटीट्यूड रख के इस बिजनेस को करना चाहिए। कई लोग घर से निकलने से पहले इस बिजनेस में घर ही बैठे बैठे अपने रिजेक्शन को पक्का कर लेते हैं, और घर बैठे बैठे ये सोचते हैं खाट पे बैठे बैठे कि आज पूरे दिन मेरा कुछ होने वाला नहीं। क्या किसने बोला ये आज इसका कुछ नहीं होगा है? फिर दूसरा ख्याल आता है दिमाग में, तू कितना ही मेहनत कर ले, तेरा बाप भी गरीब था, बाबा भी गरीब था, तू साले गरीब मरेगा, समझ आ रहा है? फिर तीसरा ख्याल आता है जब कुछ होना ही नहीं है तो फिर जाना क्यों है, और घर ही बैठा रहता। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, समझ आ रहा है कि नहीं आपको? और कोई आदमी इतना खुश होकर घर से बाहर जाता है कि चलो एक दिन और मिल गया जिंदगी में, आज जिंदगी बनाता हूं, आज मेरी जिंदगी का निर्माण होगा, कोई एक डायमंड मेरे को आज मिलेगा जो जिंदगी में 5 साल मेरा साथ देगा, चलो जल्दी तैयार हो जाता हूं, 6 बजे उठ जाता हूं, और 6 बजे उठने के बाद रात को 11 बजे तक वो मेहनत करता है। एक आदमी निगेटिव सोच के घर से जा रहा है, एक आदमी पॉजिटिव सोच के घर से जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? तो ये A4 एटीट्यूड जो है वो दुनिया में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है दोस्तों। 100% सक्सेस डिपेंड ओनली योर एटीट्यूड। और एक अच्छी बात और है, एटीट्यूड की स्पेलिंग को ए को अगर एक नंबर दोगे और टी को जितने नंबर पे वो आती है, अगर ऐसे नंबर रखोगे तो एक ही स्पेलिंग है अंग्रेजी वर्ड में जिसका टोटल 100% आता है, 100 आता है, एटीट्यूड, आपका नजरिया, समझ आ रहा है? वर्क को काउंट करोगे तो कुछ आता है, लव को काउंट करोगे तो कुछ और आता है, लक को काउंट करोगे तो कुछ और आता है, और जो चीजें आपको लगती हैं, हार्ड वर्क को काउंट करोगे तो कुछ और आता है, नॉलेज को काउंट करोगे तो कुछ और आता है, जब एटीट्यूड को काउंट करोगे तो क्या आता है, 100 आता है, 100। एक बार नजरिया सही कर लो, समझ आ रहा है? और कई लोग तो अपना नजरिया सही करने में इस बिजनेस में सालों लगा लेते हैं, क्योंकि उनका नजरिया खराब इसलिए हो रखा है कि गलत सोबत है, गलत दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, गलत ही माहौल में पैदा हुए, गंदी बस्ती में रह रहे हैं, गलत लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, डेली 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 लोग नेगेटिव उनको दे रहे हैं, रोज सुबह घर जाते हैं तो नेगेटिव, बाहर जाते हैं नेगेटिव, दोस्तों के साथ नेगेटिव, सबके साथ नेगेटिव हो रहा है। ये इतना नेगेटिव माहौल में रह के आदमी पॉजिटिव रह कैसे सकता है, मेरे को बताओ? 1-1.5 साल हम लोग इस बिजनेस में तुम्हारा फर्मा सेट करने में लगा लेते हैं। पहले दूरदर्शन जब चैनल आता था तो रोज छत पर जाके एंटीना सेट करना पड़ता था कि नहीं, आप बताओ? करना पड़ता था ना। मैं जब भी रंगोली महाभारत मेरे को देखना होता था 1990-95 में, तो मैं ही सबसे घर का छोटा था, मेरे को चढ़ा देते थे जा जा, रात को हवा चली होगी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, कबूतर बैठा होगा, जा चेक कर, और मैं जाके वहां से कह रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं, हां आई, उसे कहा हां थोड़ी थोड़ी आई, और कर सही कर, थोड़ी आई, समझ आ रहा है? ऐसे ही तुम लोगों का एंटीना हिला हुआ होता है, और 1-1.5 साल में तो हम सेफ शॉप में तुम्हारा एंटीना ही सेट कर पाते हैं, बाकी तो बाद में काम होता है, समझ आ रहा है? तो आज के बाद एक कसम खा लो सारे लोग, खाने को तैयार हो कि अपने एंटीना को हिलने नहीं दोगे और एंटीना पर कबूतर बैठने नहीं दोगे। कितने लोग कसम खा रहे हो? खा रहे हो? ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, सही है? तीसरा पाथ है हमारे यहां, पाथ की तीसरी स्पेलिंग है टी फॉर टीचेबिलिटी। क्या है? वो लोग इस बिजनेस में आके ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं जो लोग अपने को सीखना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एकेडमिक एजुकेशन ली, मैंने एकेडमिक एजुकेशन ली, कॉमर्स से पढ़ा, बहुत सारा अकाउंट सीखा, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और इनकम टैक्स सीखा, ये सीखा, अकाउंट बनाने सीखे, टैली सीखी, बहुत सारी चीजें सीखी, क्या मेरा वो सब चीजें इसमें काम आ रही हैं? आप बताओ, कोई मतलब है उनका?
लेकिन इस बिजनेस में आके 12 साल पहले मैंने ड्रीम सीखा, ड्रीम कैसे बनाते हैं, मैंने सीखा इस बिजनेस में लिस्ट कैसे बनती है, मैंने सीखा इसमें एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, मैंने सीखा हार्डवर्क करने से क्या फायदा है, मैंने सीखा पॉजिटिव एसोसिएशन में कैसे रहना चाहिए, मैंने बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में आके सीखी। तो आप ये बताओ, मेरा एम कॉम तक की एजुकेशन काम आ रही है कि इस वाली एजुकेशन का काम आ रहा है, क्या काम आ रहा है, ये वाली ना। तो आप जो भी डॉक्टर होगे, जो भी तुर्रम खान होगे, जो भी आपने मार्केट में इंजीनियर होगे, जो भी पढ़ा होगा, एमए किया होगा, सब जीरो है, कुछ नहीं है वो। लेकिन यहां जैसे ही आप आते हो, आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीखने की चाह आपके अंदर होनी चाहिए, नई चीज सीखने की। और कोई बच्चा भी सिखा रहा हो, शुक्रवार की ट्रेनिंग में हमारे यहाँ जब आप आओगे, मेरे अलावा काफी सारे बच्चे होंगे, 22 साल 25 साल का लड़का, बहुत ही छोटा सा लड़का आपको ट्रेंड करेगा, बहुत सारे लोग 60 साल के बैठे होंगे, उनकी ईगो अलाउ ही नहीं करेगी उनको कि ये बच्चा हमको कुछ सिखा सकता है। बोलेंगे अरे ये क्या सिखाएगा, इससे ज्यादा जितना इसने दूध पिया है ना, उतना तो पानी पी रखा हमने। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां वही आदमी इस बिजनेस में हीरो बनेगा, कौन? जो अपने को ऑलरेडी खाली करके आएगा। समझ आ रहा है? खाली बोतल में ही भरा जा सकता है। टीचेबिलिटी अगर आपके अंदर है, सीखने की चाह अगर आपके अंदर है, तो कोई भी एक बच्चा, छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है कि नहीं, बताओ। और कई लोग दुनिया में कैसे होते हैं, जिनको बड़ी अकड़ होती है, उनका एक स्लोगन होता है, उन्हें अपनी छाती पर लिखा होता है, आई नो ऑल, आई नो ऑल, क्या लिखा होता है, और वो बार बार बोलते हैं, अरे मेरे को बताओगे, मेरे को सिखाओगे, ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हुए, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये अरे हमें बड़ा तजुर्बा है, अरे हम 40 साल का तजुर्बा, अरे हमें ये है, अरे हमें ये है। उनके लिए मेरा एक डायलॉग है, बताऊं क्या, जो सब जानता है वो भगवान होता है, और भगवान अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, और जो सब जानते हैं वो थोड़े दिन बाद इस धंधे में भी अदृश्य हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो इतना जानते हैं उनकी जरूरत क्या है, यहां उनको लुप्त हो जाना चाहिए भगवान की तरह। वो सब लोग मेरी नजर में भगवान हैं, जो बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जानने वाले को हमेशा आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, और वो कभी आपको किसी गली लुक्कड़ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए कभी भी, क्योंकि जो सब जान गया उसको तो मानव बन के रहने की जरूरत नहीं है, उसको अदृश्य हो जाना चाहिए, और जो सब जानता है उसको अदृश्य होना जरूरी है, और धंधे में धीरे धीरे वो बचेगा कौन, जो इस बिजनेस में टीचेबल होगा। कितने लोग सीखने की ख्वाहिश रख सकते हैं? बाल काटने का अगर आपको शौक है, आप बाल काटना चाहते हो, बाल काटने का बनना चाहते हो, तो आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे, जाओ जाके सीखो, 6 महीने तो आपको आदमी उस तरह नहीं पकड़ने देगा जिसकी दुकान में जाओगे, क्योंकि वो किसी के गाल कटवाना नहीं चाहता तुमसे, सही है? यानी 10 रुपए की औकात है बाल कटवाने की, जब आप अच्छे बाल काटोगे तो कितने रुपए दोगे उसको? 10 रुपया। 10 रुपए की चीज को सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, तो साला करोड़पति बनने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे बैठे सीख जाएगा आदमी, क्यों? हाथ पे हाथ रख के सीख जाएगा? ट्रेनिंग में कभी नहीं आएगा तो सीख जाएगा? मैं हजारों लोगों को देखता हूं, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको रोज फोन करना पड़ता है, भाई साहब शुक्रवार को ट्रेनिंग में आ रहे हो? जवाब देगा, अरे हाँ पेट में दर्द है, ठंड बहुत है, पिताजी घर पे नहीं है, बच्चे छोटे हैं, फलाना है, ये है, तो है। इसको कानपुर से उठ के 5 किलोमीटर दूर जहां हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे दुबई जाना पड़ रहा है। और जो लोग इस बिजनेस में बहाने देते हैं, उनका एक ही कारण है, बता दूं क्या, उनके सपने रियल नहीं है, फेक हैं वो लोग, जो बोल रहे हैं वो अंदर से नहीं है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, जितने लोग बहाने बना रहे हैं, या तो आप जिंदगी में बहाना बनाओगे, या तो आप जिंदगी में पैसे बनाओगे, और दोनों चीजें कभी साथ बनने वाली नहीं है। अगर आपको पैसे बनाने हैं, बहाना बनाना बंद कर दो, और अगर आपको बहाने बनाने हैं, पैसे के बारे में भूल जाओ। बोलो क्या करना है? पैसे बनाने हैं। मेरे को पैसे बनाने थे, जिंदगी में आज तक कभी कोई बहाना नहीं दिया। कल मेरे को एक बहुत सॉलिड बहाना था यहां ना आने का, मेरे पिताजी आईसीयू में भर्ती होने वाले थे, बिल्कुल 3 बार मैंने बिठाया गाड़ी में, और तीनों बार उनको किसी ना किसी कारण से घर में छोड़ना पड़ा। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन मैं मां कसम बोल रहा हूं, जो भी हो जाता, देवेंद्र शर्मा इस स्टेज पर आता, आता कुछ भी हो जाता, आता मैं आता। क्यों? थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि 12 साल की तपस्या, 12 साल की बात जो मैं बोलता हूं कि मैंने टाइम दिया और मैं पहुंचा, एक छोटे से कारण के लिए मैं छोड़ता नहीं, जो भी हो जाता मैं आता।
मैंने तय कर ली थी ये बात। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 1500 लोगों का विश्वास तोड़ दूं और उनकी टिकट छपी और मैं पहुंचू ना। जो हो जाता मैंने तय कर लिया था। मैंने कहा जो भी हो जाएगा, सबसे ज्यादा खराब होगा, फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को जाना है, बहाना नहीं देना है, क्योंकि मेरे को पैसे बनाने हैं, ना कि बहाना बनाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? छोटे छोटे सेलिब्रेशन में हम लोग विश्वास करते हैं। पड़ोसी के यहां केक क्या कटता है, हम लोग 4 घंटा अपना धंधा छोड़ देते हैं, बार बार पूछते हैं, हाँ हो गया क्या टाइम, हाँ कब कटेगा केक। छोटे छोटे बर्थडे, छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी चीजें, हम छोटे सेलिब्रेशन छोड़ना नहीं चाहते जिंदगी के। लेकिन एक बात मेरी नजर से समझ लो, मेरा एटीट्यूड है ये, जिंदगी के छोटे सेलिब्रेशन छोड़ दो, एक दिन आपकी जिंदगी पूरी की पूरी हर दिन सेलिब्रेशन हो जाएगी मेरी तरह। और छोटे सेलिब्रेशन में फंसे रहे तो जिंदगी भर दूसरे के केक पर मोहताज रहना पड़ेगा, दूसरे की दावत पर मोहताज रहना पड़ेगा साला, दूसरे की दावत पर। समझ आ रहा है? तो आज के बाद जो भी लोग टीचेबल हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, क्या वो सीखेंगे? और एक रीजन है उसका, क्योंकि खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। खड़ी करके दिखाओ मेरे को, क्या टेक्निक है आपके पास? हम लोग जब तक खाली हैं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप लोगों के सामने जाओगे, लोग आपका चीर हरण साथ में करके बेच देंगे। समझ आ रहा है? लेकिन जब आप भरे हुए जाओगे, सीख के जाओगे, हर हफ्ता सीखोगे, बातें जब आपको आ जाएंगी और जब लोगों के सामने बैठोगे तो तुम्हारी बातों से उनका चीरहरण हो जाने वाला है। लिखवा के ले लो मेरे से, लिखवा के ले लो मेरे से। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो कैसे जाना चाहिए? जब हम जाएं हमारा ही चीरहरण हो जाए, या हम जाएं तो दूसरे का चीरहरण हो जाए? बोलो, दूसरे का ना। आज जितने भी लोग सीखे हैं, योगेश यादव ने सीखा, कश्यप जी ने सीखा, टीकेन सिंह चौधरी ने सीखा, यस योगेश यादव ने सीखा, अलवर वाले ने सीखा, हरिशंकर ने सीखा, हम जितने 22 डायमंड हैं, हम जितने रेड क्लब लीडर हैं, हमको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, किसी के सामने बिठा दो, एक आदमी की हिम्मत नहीं जो हमारे सामने कुछ बोल दे। एक बात बोलेगा हम 100 जवाब देंगे, 100, 101 बोलने नहीं देंगे। लेकिन एक आम आदमी जाता है, कोई बोलता है, ये जाता है दूसरे पे मोहर लगवाने के लिए, और ये थोड़े देर बाद अपनी पीठ कर देता है कि भाई साहब तुम अपनी वाली लगा दो, और वो लगा देता है कि तू नाकारा है, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, लिख के ले ले, और मान के सुन के आ जाता है। इट्स डिपेंड्स कि आपकी बोरी खाली है कि आपकी बोरी भरी है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? कितने लोग भरेंगे इसको? नॉलेज का और कॉन्फिडेंस का चोली दामन का साथ है। नॉलेज अगर कम है, कॉन्फिडेंस आपका लो है। नॉलेज आपकी थोड़ी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस नॉलेज और ज्यादा है तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? क्योंकि जितनी जिसको नॉलेज है उसका उतना कॉन्फिडेंस है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ढूंढ लो, आज सचिन को बल्ला पकड़ा दो, रिटायर के जितने भी साल हो गए हो, मरते दम पकड़ा देना, लेकिन तब भी उसको टेक्निक है कि चौका और छक्का कैसे मारा जाएगा, क्योंकि उसने बाल सफेद नहीं करे ऐसे धूप में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दुनिया में जिस भी क्षेत्र की आपको नॉलेज हो गई, उस क्षेत्र में आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि नहीं? मेरे को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, मेरे को अगर सिरेंज लाके दोगे और किसी के मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, सच बताओ मेरे हाथ कांपेंगे कि नहीं कांपेंगे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज से पहले मेरे को इंजेक्शन लगाने का कोई भी तजुर्बा नहीं है, लेकिन जब मैं फॉलो अप करूंगा तो कर दूंगा ना। तो आपको इस बिजनेस में अगर कॉन्फिडेंस लाना है, कितने लोग चाहते हैं कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस बिजनेस को करने का, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, नॉलेज ले लो भाई साहब। हर शुक्रवार को आओ, हर शुक्रवार को आओ और इस बिजनेस को सीखो। और चौथी और लास्ट चीज, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। बहुत लोगों को ईमानदारी भगवान ने दी ही नहीं है। बहाना बनाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बीवी को बोलेंगे तेरी जिंदगी बनाऊंगा, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे बीवी को, और रात को बोलेंगे सुबह भूल जाएंगे, क्योंकि ये अपने लिए ईमानदार नहीं है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो ईमानदार क्या है? ईमानदारी, ईमानदारी वो नहीं है कि पैसे दे के टाइम पर लौटा दो। ईमानदारी है अपने लिए क्या आप ईमानदार हो, जो बोलते हो क्या उसको निभाते हो,
क्या जो वादा करते हो उसको किसी भी कीमत पर पूरा करते हो, या वादा करते हो और हमारे यहां एक कहावत है आगरा में, किसी की बात कुत्ते की लात, वैसे हो। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, कम से कम बहुत आयत होगी इनकी, 60% लोग मेरी नजर में उनकी बात कुत्ते की लात, दोनों बराबर। ऐसे लोग हमारे धंधे में ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कैश एंड कैरी बिजनेस है। पैसे लेके आओगे, ईमानदारी से लाओगे, आपको डीडी भेजनी होगी। कई लोगों की जेब में जैसे ही पैसे आए उनकी जेब गर्म हुई, उनके और उनके बाप के। भेजना छोड़ दिया, भूल गए, बहाने बनाना चालू। अपलाइन पूछ रहा हूं भाई कितनी आई, तो दो आई, उसमें से बोल देंगे सर एक भी नहीं आई, और अपने काम में लगा लेंगे, और कुछ बोलेंगे, और कुछ बहाने बनाएंगे, और कुछ करेंगे। ऐसे लोग, जैसे ये कुल्हाड़ी लेके बैठा ना पीछे, दिखाई दे रहा, ये कौन लोग हैं? ये साला अपलाइन के साथ गले में हाथ डाल के खड़े हैं, बोल रहे हैं तू भाई है मेरा, मैं तेरी जिंदगी में साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, लेकिन एक हाथ में पीछे से कुड़ाली ले रखी है इन्होंने, और ये कुछ भी करने को तैयार हैं। आगे पीछे से अलग हैं, आगे से कुछ बोल रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, और कुछ हो गई गलती तो सीधे नहीं बताएंगे आके, सीधा आपको बहाने बुने मार के उल्टी सीधी कहानी समझा के आ जाएंगे और बता देंगे। ये कौन लोग हैं? इन्होंने इस जिस दिन ये पैदा हुए हैं उस दिन एक्चुअली ईमानदार वाला दिन नहीं था। भगवान ने उस दिन वैसे बेईमान टाइप के लोग पैदा करे थे। समझ आ रहा आपको कि नहीं? कितने लोग इस बिजनेस में सीरियसली जिंदगी बनाना चाहते हैं? यू हैव टू बी ऑनेस्ट। क्या बनना पड़ेगा? कितने लोग बन सकते हैं? बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है भाई साहब, सच बता रहा हूं, बहुत कठिन। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है, कठिन, बहुत कठिन है ऑनेस्ट बनना। जवान दी तो पहुंचना, वादा किया तो पूरा करना, एक बार बोल दिया तो निभाना। मैंने किसी को बोल दिया कि कल तेरे को पैसे दूंगा, तो फिर किसी भी कीमत पे दूंगा, मदद करूंगा तो करूंगा, फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? और इन सब चीजों की वजह से मैं मैग्नेट बन गया। क्या बन गया? मैग्नेट। देवेंद्र शर्मा की शक्ल को कोई प्यार नहीं करता, जितने लीडर मेरे साथ बैठे हैं ये सब प्यार करते हैं देवेंद्र शर्मा के गुणों को। किसको? गुण जो है मेरे में। और अगर गुण सही ना होते तो सच बताओ क्या 12-12 साल मेरे साथ लोग रह रहे होते क्या? 12-12 साल लोग निभा रहे होते क्या? 12 सालों में मेरे अंदर कमियां पता चलती हैं और छोड़ के भग जाते कि नहीं मेरे को? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में रोते हैं कि भाई साहब टीम नहीं बन रही, लोग नहीं रुक रहे, आ नहीं रहे, आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। वो किस लिए नहीं रुक रहे? क्योंकि तू ईमानदार नहीं है, और बेईमान के साथ दुनिया में कोई रहना चाहता नहीं है। कभी तू वादा करता है तो फॉलो अप पे टाइम पे नहीं पहुंचता, पैसे का वादा करता है तो पैसे में लफड़ा कर देता है, और कोई वादा करता है तो और कोई चीज में नीचा हो जाता है। कभी तेरा व्यवहार सही नहीं रहता, कभी और कोई बात करता है, और लोग ताबड़तोड़ तेरे को क्या कर रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं। इस बिजनेस में मैग्नेट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मैग्नेट। जो भी आपके पास आए आपके गुणों के कारण आपसे चिपक जाए। समझ आ रहा है? और अगर आप ऐसे हो तो इसका मतलब जिंदगी बन सकती है। कितने लोग ईमानदारी से जिंदगी बिता सकते हैं, ईमानदार रह सकते हैं, हॉनेस्ट रह सकते हैं, अपने लिए, अपने खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। रह सकते हो? सच्चे सपने जिनके होते हैं वो लोग बदलाव लाते हैं अपने अंदर। कमियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं। मैं जब आया था क्या इस बिजनेस में ऐसा ही था क्या? नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को पता चला ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे अपने में इम्प्लीमेंट करता गया। हर आदमी को अपने गिरेवान में झांक के ये पता चलता है कि क्या कमी है, क्या अच्छाई है। बताओ कौन नहीं जानता ये बात? सब जानते हैं कि नहीं? जीतते कौन लोग हैं? जो अपनी कमियों पर काम करते हैं। समझ आ रहा है? गलतियां हर आदमी से होंगी, क्योंकि बिना गलती के भगवान आदमी को बना ही नहीं सकता। मैंने एक किताब में पढ़ा, आदमी की मैन्युफैक्चरिंग बिना गलती के पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने अगर आदमी बनाया है तो इसका मतलब गलतियों के साथ भेजा है। लेकिन सफल कौन लोग होंगे? जो अपनी गलतियों पर काम करेंगे। बहुत लोग मेरे नेटवर्क में कैसे आए? गए डाउनलाइन के यहां रहे
और साला डाउनलैंड के यहां जाके उसी की बहन से चक्कर चला दिया। और कई लोग मेरे नेटवर्क में डाउनलैंड की बहनों को लेके भाग गए, मेरे को आज तक नहीं मिले हैं, मैं ढूंढ रहा हूं हंटर लेके। मैंने कहा साला एक बार मिल जाए, मिले ही नहीं मेरे को। समझ आ रहा है? कितनी उम्मीदों के साथ आदमी इनको घर ले गया था, क्या सोचा था इनके बारे में, और इन्होंने क्या किया, क्या सलाह दिया उसको, और जीवन बर्बाद कर लिया। कई लोग आए जो अपने घर वालों के लिए ईमानदार नहीं थे, शादीशुदा थे, फिर भी साले दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ गए। एक लड़की आई, थोड़े से नैन मटकाए, तीसरे दिन में चले गए। समझ आ रहा है? दुनिया में कई लोग आएंगे बिजनेस में, और आने के बाद आपकी ईमानदारी चेक करेंगे। ईमानदारी हर तरीके से आपको दिखानी होगी। मेरे जितने फ्रंटलाइन लीडर हैं, मेरे साथ रहते हैं, एक भी चरित्र की कमी आप उनमें बता ही नहीं सकते। मेरा पक्का डिसीजन है, जैसे ही तेरे बारे में एक भी कमी मेरे पास आई, देवेंद्र शर्मा की डिक्शनरी में सॉरी और माफी दो वर्ड हैं ही नहीं। माफ नहीं करता मैं किसी को, एक गलती पे पेन तोड़ देता हूं। कलम लिखते हैं ना, मृत्यु दंड और थट खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। टिकता कौन है? जो अपने सपनों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपनी बातों के प्रति, अपनी जवान के प्रति, अपनी सब चीजों के प्रति इस बिजनेस में क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। तो क्या लगता है आपको आप में ये क्वालिटी है? कुआरा है अगर कोई आदमी, बहुत ज्यादा शादी की खुजली है, करवा लो। क्या है, करोड़पति बने ना बने कोई आदमी हिंदुस्तान में, लखपति बने ना बने, अरबपति बने ना बने, गारंटी है एक लड़की का पति जरूर बनेगा। आगे पीछे कभी ना कभी बनेगा, गारंटी है, लिखवा के ले लो मेरे से। समझ आ रहा है? तो क्या उखाड़ लेगा, बन जाएगा तो क्यों? बहुत लोग घूम रहे हैं, ईमानदार नहीं है। रात को अपलाइन को उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं। रात को अपलाइन बोल रहा है चलो ऐसे ऐसे कर लो, और फिर 2:30 बजे तक व्हाट्सएप पे लगे हैं, फिर 2:30 बजे तक गर्लफ्रेंड से बातें करने लगे हैं, और फिर सुबह लेट हो गए, और फिर अपलाइन ने पूछा कि उठ गया बेटा, जा रहा है कहीं, काम कर रहा है क्या? हाँ हाँ रस्ते में हूं, अभी घर में ही पड़े हैं, बहाने बना रहे हैं। रात को 3 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, तो सुबह उठेंगे कितने बजे? और फिर बार बार कंपनी को बोल रहे हैं, अरे होता कुछ नहीं है, हमने तो ऐसे किया था, हमारी जिंदगी नहीं बन रही है। बनेगी क्या जिंदगी? क्यों, क्या नहीं है इसमें? खुद के लिए ईमानदारी नहीं। समझ आ रहा है आपको? तो जिस भी चीज पे ईमानदारी गई, ईमानदारी पैसे पे जाएगी, या तो चरित्र पे जाएगी, या किसी के लिए कुछ गलत काम करोगे। और जैसे ही ईमानदारी गई, लिखवा के ले लो मेरे से, तबाह हो जाएगा इस धंधे में। तो कितने लोग ऑनेस्ट रहने का वादा कर रहे हैं खुद से, मेरे से नहीं करना है। प्रॉमिस हमेशा दूसरों से किया जाता है, और कमिटमेंट जो होता है वो खुद से किया जाता है, खुद से। व्रत जब हम करते हैं तो वो सेल्फ कमिटमेंट होता है कि शाम तक कितने भी रसगुल्ले मेरे सामने आ जाएं, लेकिन मैं शाम तक अपने मुंह में एक भी निवाला जाने नहीं दूंगा। ये कमिटमेंट किसका होता है? खुद का। क्या उस दिन किचन को ताला लगा होता है? क्या लोग लाते नहीं, खिलाना चाहते हैं ना, फिर भी हम मना करते हैं? किससे कमिटमेंट होता है वो हमारा? सेल्फ कमिटमेंट होता है। कुछ भी हो जाए, कितने ही पकवान आए, लेकिन शाम तक आज मैं खाऊंगा नहीं। और भगवान किसी भी धर्म में नहीं बोलता भूखे रहो। मैं सच बता देता हूं आपको, अध्यात्म में गया तब से मेरे को पता चला, सिर्फ आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए हर धर्म में व्रत सिखाया जाता है। किसको बढ़ाने के लिए? आपकी संकल्प शक्ति। जो आपने संकल्प किया, क्या आप उस संकल्प पर कितने दिन तक अडिग हो? सिर्फ अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है आप पे। जब भी आप कोई भी व्रत करते हो, सेल्फ का कमिटमेंट कितना रखते हो और कितना उसको ईमानदारी से निभाते हो, उसको सिखाने के लिए हर धर्म धरती पे जो चलता है वो व्रत सिखाता है। और हमारा बिजनेस, ये बिजनेस भी आपको व्रत सिखाता है, आपको आपकी ईमानदारी का व्रत। समझ आ रहा है? तो कितने लोग ऑनेस्ट होने का वादा कर रहे हैं कि नहीं जी, हिलेगी नहीं किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए, ना कोई लड़की ऐसी बनी है धरती पर जो हमको हिला सके, ना कोई ऐसी चीज बनी है, ना कोई पैसे बने हैं, ना कुछ बना है।
हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करो, दूसरे के पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। जितने लोगों ने दूसरे के पैसे गलत यूज किए हमारे बिजनेस में, उन सब ने यहां पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेली है। सबसे पहली तकलीफ हमारी नजरों में गिर जाते हैं वो लोग, आधी डीडी लेके आ जाते हैं लोगों की। मैं मना करता हूं स्टेज से आधी डीडी मत लो, आधी डीडी 1000 रुपया किसी ने दिखाया नहीं, इनकी लाट टपक जाएगी तुरंत। अरे भाई साहब हाँ 7000 बाद में दे देना, 1000 दो तुरंत ज्वाइन करा देंगे हम आपको, वादा करेंगे उल्टे सीधे उसको कि नहीं 1000 दो आप, अरे हम मिला के बेच देंगे आपके 7000। साले ने 7000 ना 20 साल से नहीं देखे इसने 7000 खुद के, और वादा कर देंगे उसको। और ऐसे लोगों के बाद में 2 हफ्ते बाद उसको पता चल जाएगा कि जो 1000 ले गया था मेरे आज तक उसके पास रखे हैं, कुछ नहीं भेजा उसने, और फिर उसके बार बार जाके अलग अलग बहाने बना के तुम्हारी डीडी चली गई है, प्रोडक्ट आने वाला है, फलाना है, बाकी के पैसे दे दो, ये दे दो, फिर वो देगा नहीं, फिर लेट हो जाएगा, फिर और कोई लफड़ा होगा, और फिर उस आदमी को इसकी औकात पता चल जाएगी। और ये सब किसने किया, बीज किसने बोया है, किसने बोला इसको 1000 रुपए लो 2000 लो। मैं बोल रहा हूं कोई भी आदमी अगर आपको 500 रुपए से कम दे रहा है, क्योंकि आपकी हिम्मत है 500 रुपया मिला के भेजने की, 500 रुपए से अगर आदमी कोई कम पैसे दे रहा है, हाथ में पकड़ो ही मत भाई साहब, तुम रख लो अपने पास, जब आपकी इच्छा हो कर लेना, मेरी जरूरत नहीं है सिखाना, आपकी जरूरत है, जिंदगी आपकी बननी है, सपने आपके पूरे करने हैं, बच्चों को आपके कार मिलनी है, कल आपका भला होना है, कल आपको लाखों रुपया आना है, मेरी क्या जरूरत है, आप जब पूरे हो जाए जब दे देना भाई साहब, तब आप 15 दिन बाद आ जाऊंगा, 10 दिन बाद आ जाऊंगा, तुरंत उसको पकड़ा दो। और ये ईमानदारी जब आप अपनी चेक करा लोगे ना, कोई आदमी एक आएगा, एक ही आदमी आपके लिए टीकेन सिंह चौधरी बनेगा और सीधा 60,000 का नेटवर्क लाएगा। आपकी ईमानदारी चेक कर रहे हैं लोग, और आप क्या कर रहे हो, 1000-1000 रुपए के लिए लाट टपका दे रहे हो। किसी की 200 रख लिए, किसी के 100 रख लिए, किसी के 50 रख लिए, किसी का कुछ रख लिया, किसी ने फोल्डर के पैसे दिए उसका फोल्डर नहीं लाए, किसी ने और कुछ किया उसका ये सब नहीं किया, और सब अपनी ईमानदारी का पूरा करके बर्बाद हो रहे हो। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है आज के बाद ईमानदार होने का? पक्का ले रहे हो निर्णय? रखोगे ईमानदारी? दूसरे का पैसा, बच्चे, दूसरे की चीजें, जिस आदमी ने भी इन सब चीजों पर नियत खराब की, बर्बाद होगा। लिखवा के ले लो मेरे से।